गुड मॉर्निंग। कैपिटल गेन हेड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 नंबर। निम्नलिखित परिस्थितियों में कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए कर योग्य पूंजी लाभ ज्ञात करें। दो पॉइंट दिए हैं अपने को, पहले ए पॉइंट को सॉल्व करेंगे फिर बी को करेंगे। तो पहले मैं हेडिंग लिख देता हूँ, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 2020। ये अपना फॉर्मेट बन गया। पहले ए पार्ट लेते हैं। क्या कह रहा है, राम ने एक मकान संपत्ति 2013-14 में उसके पिता की मृत्यु पर उसकी वसीयत के तहत प्राप्त हुई। वसीयत में कोई संपत्ति प्राप्त हुई है, मतलब गिफ्ट हो गया एक तरह से। तो मैंने आपको बताया था कि इस कंडीशन में आपको मकान संपत्ति की जो लागत लेनी है वो भूतपूर्व मालिक की लेनी है, और इंडेक्स्ड भी करेंगे तो भूतपूर्व मालिक ने जिस साल खरीदी थी उस साल के बेस पे करेंगे। खैर, 2013-14 में उसका बाजार मूल्य 5 लाख रुपए था, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। उसके पिता ने वो मकान संपत्ति 1996 में खरीदी थी 25,000, और 1999 में मकान संपत्ति में वृद्धि भी कराई, 20,000 रुपये और खर्च किए। फिर 2005-06 में अतिरिक्त कमरा भी बनवाया है। फिर राम ने भी मार्च 2015 में उसमें अतिरिक्त कुछ वृद्धि और करवाई है मकान पर। 18 जून 2015 को उस मकान संपत्ति को व्यापारिक रहती में स्टॉक में बदल दिया। अब स्टॉक में बदलने पर क्या होता है, जिस साल स्टॉक में बदला जा रहा है बस उसी साल के इंडेक्स को आप सेल की तरह मान लोगे, भले ये बिके कभी भी उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि व्यापारिक स्टॉक बनने के बाद में वो पूंजी संपत्ति रहेगी नहीं। तो 2015-16 में उसको स्टॉक में बदल दिया है तो 2015-16 की ही सेल मानी जाएगी। तो आपको पता है जब हम इंडेक्स्ड कॉस्ट निकालते हैं तो जिस वर्ष की सेल होती है, हालांकि ये मकान संपत्ति इसने बेची तो इस साल है, देखो 2020-21 में, जिस दिन मकान संपत्ति उसने व्यापारिक स्टॉक में बदली थी उस दिन उसका बाजार मूल्य 7.5 लाख रुपए है, और इसको अभी बेच दिया इसने 10 फरवरी 2020 को 8.5 लाख में। लेकिन हम ये नहीं मानेंगे कि 10 फरवरी 2020 को बेचा है, क्योंकि हमारे हिसाब से तो जिस दिन स्टॉक में कन्वर्ट हुई उसी दिन बिक गई वो, तो हम तो इसकी सेल 2015-16 की मानेंगे। और उसके बाद उसने 5 वर्षीय शोधनी बॉन्ड खरीदे हैं 2 लाख रुपए के ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के, और 1 अप्रैल 2001 को मकान संपत्ति का बाजार मूल्य 1 लाख रुपए। तो सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको बताया कि इसको हम सेल 2019-20-21 की नहीं मानेंगे, ये सेल 2015-16 की ही मानी जाएगी, क्योंकि 2015-16 में इस मकान संपत्ति को स्टॉक में बदल दिया गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिख देंगे मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन इनटू स्टॉक, जिस दिन स्टॉक में बदला था इसने उस दिन इस संपत्ति की मार्केट वैल्यू 7.5 लाख रुपए थी। अब लेस करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो ये मकान संपत्ति उसके पिताजी ने खरीदी थी
1996 में, फिर 1999 में वृद्धि भी कराई, मतलब 25,000 में तो खरीदी थी और 20,000 रुपये 1999 में और खर्च किए, तो 45,000 खर्च किए, तो लागत तो 45,000 हो गई, क्योंकि 1 अप्रैल 2001 से पहले की लागत हम देखते हैं और 1 अप्रैल 2001 का बाजार मूल्य 1,00,000 रुपये बता रहा है, तो दोनों में से जो ज़्यादा हो वो लेते हैं हम, तो 1,00,000 रुपये मार्केट वैल्यू 1/4/2001 की मार्केट वैल्यू 1,00,000 रुपये को इंडेक्स करेंगे। तो इंडेक्स करने के लिए ऊपर कौन से साल का इंडेक्स लेते हैं, जिस साल उनका मकान संपत्ति बेची है, लेकिन हमारे हिसाब से तो ये 2015-16 में बिक गई स्टॉक में कन्वर्ट होते ही, उसी डेट को ट्रांसफर प्राइस मान लिया जाता है। तो 2015-16 का इंडेक्स 254 है और अपॉन 2001 का इंडेक्स 100 है, तो इसको हम करेंगे तो 2,54,000। इसके बाद इस मकान संपत्ति में 2005-06 में अतिरिक्त वृद्धि कराई है, कमरा बनवाया है 50,000 रुपये का 2005-06 में। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 50,000, 2005-06 में बनवाया है, तो 254 बटा में 2005-06 का इंडेक्स लेंगे 117, ये आ जाएगा 108,547। फिर एक बार और वृद्धि कराई गई है इस मकान संपत्ति के ऊपर, तो फिर से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 2014-15 में 1,00,000 रुपए की वृद्धि कराई है, 1,00,000 × 254 और 2014-15 का इंडेक्स 240, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपके 105,833। इन तीनों को इसमें से 7,500 में से घटा देंगे, 2,81,620 रुपये आएगा। और फिर उसने 5 वर्षीय शोधनीय बॉन्ड खरीदे हैं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, 54 इसी में छूट मिल जाती है मकान बेच के, यदि आप कोई बॉन्ड वगैरह ये खरीदते हो तो लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54EC 2,00,000 रुपए की छूट मिल जाएगी। तो उसका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है ये 81,620 रुपए का आया। ये फर्स्ट पॉइंट जो है ये कंप्लीट हो गया अपना, अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में कह रहा है मोहन ने एक्स एंड कंपनी के 10 रुपए वाले 2,000 समतांश 10/5/2009 को एक दलाल के माध्यम से 120 रुपए प्रति अंश की दर से खरीदे और 2,400 रुपए दलाली के चुकाए हैं। 28 फरवरी 2010 को कंपनी ने उसको 2 अंश के बदले में 1 अंश बोनस के रूप में दिया है। 10/4/2019 को कंपनी ने उसको प्रत्येक अंश के लिए 1 अंश अधिकार अंश दिया है 50 रुपये की रेट से, बोनस अंश को छोड़कर, और उसने अधिकार अंशों का 50% तो खुद खरीद लिया और 50% अपने अधिकार को 30,000 रुपये में किसी और को बेच दिया, और उसने ये सारे अंश, चाहे मूल अंश है, चाहे बोनस अंश है, चाहे अधिकार अंश है, सबको 15 मार्च 2020 को 100 रुपये की रेट से बेच दिया मैंने। और ये बता रहा है कि ये ध्यान रखना है कि अंशों का विक्रय भारत में प्रमाणित स्कंद विनिमय के माध्यम से होता है, स्टॉक एक्सचेंज से अंशों का विनिमय हो रहा है। तो आपको मैंने बताया था कि अंशों के लिए आपको लागत कैसे लेनी है, अंशों के लिए लागत लेनी है या तो अंशों की लागत मूल अंश के लिए बता रहा हूँ, और या 31 जनवरी 2018 का बाजार मूल्य, उसके बेस पे कैलकुलेशन करके अभी बताऊंगा आपको कैसे करनी है ना। बाजार मूल्य 31 जनवरी 2018 का लिया जाता है अंशों के लिए, जो सूचित लिस्टेड अंश होते हैं। तो अपने को बता दिया है कि 31 जनवरी 2018 को अंशों का उचित बाजार मूल्य 80 रुपये प्रति अंश है, तो अब आपको कैलकुलेशन करनी है।
तो तीन तरह के अंश है, एक मूल अंश है, पहले मूल अंशों के लिए करते हैं। बी का वन पार्ट पहले ओरिजिनल शेयर के लिए बात करें, ओरिजिनल शेयर कितने थे, 2000 शेयर खरीदे थे और इसने ओरिजिनल, तो अभी 2000 शेयर उसने बेचे हैं क्या रेट से, 100 रुपये की रेट से, सेल कंसिडरेशन 2000 × 100, 2 लाख में बेचे हैं। अच्छा, इसमें से लेस करेंगे, ये शेयर खरीदे कब हैं ये देखो, तो ये शेयर इसने खरीदे थे 2009-10 में 120 रुपये की रेट से, तो 2000 × 120 2,40,000 प्लस 2400 रुपये दलाली के, मतलब 2,42,500 में खरीदे हैं। तो अब इसमें पॉइंट बनाएंगे, देखो पहले तो कॉस्ट 2,42,500, सेकेंड पॉइंट बनेगा 31 जनवरी 2018 की मार्केट वैल्यू, 80 रुपये प्रति अंश है, तो 2000 × 80 1,60,000 और सेल कंसिडरेशन, सेल जितने में हुआ है तो सेल इसका हुआ है 2,00,000 रुपये में, तो भी इन्हें निकाला, इन दोनों में से जो कम हो वो लेते हैं, तो इन दोनों में से तो कम क्या है, 1,60,000, और फर्स्ट और सेकंड दोनों में से जो ज्यादा है वो लेते हैं, तो 2,42,500 फर्स्ट में, सेकंड में 1,60,000 है, तो दोनों में से ज्यादा 2,42,500 है, तो बस ये इसकी लागत हो जाएगी। अंशों के बारे में ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, गड़बड़ मत कर देना, ये इसी तरह से कैलकुलेशन होगी, ठीक है ना। तो 2 लाख में से 2,42,500 गया, तो 42,500 रुपए का लॉस हुआ है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ठीक है। ये तो हुई ओरिजिनल शेयर्स की बात, अब ओरिजिनल शेयर के बाद आएंगे बोनस शेयर्स भी मिले थे उसको, वो भी बेचे हैं उसने, तो बोनस शेयर्स, सेकंड पॉइंट, बोनस शेयर्स कितने थे, 2 के बदले में 1 शेयर बोनस में मिला था, मतलब 2000 के बदले में 1000 बोनस अंशों को बेच दिया, सेल कंसीडरेशन 1000 × 100 1,00,000 रुपए। अब लेस क्या करेंगे, पहला पॉइंट बोनस अंशों की कॉस्ट, तो बोनस अंशों की कॉस्ट तो नील होती है आपको पता है, सेकंड पॉइंट 31 जनवरी 2018 का बाजार मूल्य, तो 1000 शेयर है, 80 रुपये बाजार मूल्य है, तो 80,000 और सेल कंसीडरेशन जैसे भी कैलकुलेशन की थी वैसे ये 1,00,000, तो इन दोनों में से जो कम होगा वो लेंगे, तो इस पॉइंट में 80,000 लेंगे, और फर्स्ट और सेकंड दोनों में से जो ज़्यादा हो, तो फर्स्ट में नील है, सेकंड में 80,000 है, तो 80,000 ही लेना पड़ेगा, तो अभी 1,00,000 में से 80,000 रुपये घटा देंगे, तो 20,000 रुपये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20,000 रुपये हो गए। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म लॉस था, यहाँ कैपिटल गेन है, दोनों को एडजस्ट कर सकते हो आपस में, वो कोई दिक्कत नहीं। और थर्ड नंबर पे लेते हैं राइट शेयर्स, अधिकार अंश, अधिकार अंश इसको मिले हैं 10/4/2019 को, और ये सारे अंश उसने बेचे हैं 15 मार्च 2020 को, तो 1 साल से कम अवधि है, तो फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा अधिकार अंशों पे। अब अधिकार अंशों में भी दो बातें हैं, 50% अधिकार अंश तो उसने खरीदे थे खुद, अधिकार अंश उसको मिले थे 1 के बदले में 1, मतलब 2000 के बदले में 2000, तो आधे अंश तो उसने खरीद लिए, मतलब 1000 अंश, तो 1000 अंशों का सेल कंसिडरेशन
हजार इंटू 100 1 लाख रुपए, और ये अधिकार अंश 50 रुपए से खरीदे थे, लेस कॉस्ट 1000 इंटू 50, 50,000। अब आप ये सोच सकते हो कि भाई इसमें ऐसे क्यों नहीं किया फर्स्ट सेकेंड पॉइंट, क्योंकि वो केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में होता है, शॉर्ट टर्म में तो सीधी कॉस्ट ही घटती है, आपको बताया था मैंने। तो यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 50,000 रुपये का तो यहाँ पे हुआ है। अच्छा, दूसरा आधे अधिकार अंश जो थे 1000 अंश, उनको उसने खुद ने नहीं खरीदा, किसी और के फेवर में बेच दिया है। तो कितने रुपए में बेचा है? 30,000 रुपये में अधिकार बेच दिया, सेल ऑफ राइट, अधिकार को बेचने का मूल्य है 30,000 रुपये, ठीक है ना। और उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती है, कॉस्ट नीली होती है, तो 30,000 रुपये का एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और हुआ है। तो 50+, देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो कितना हुआ है इसको टोटल, 42,500 में से 20,000 घटाएंगे तो 22,500 का लॉस हुआ है फाइनल आंसर, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फाइनल हुआ है 50,001 और 30,001 80,000, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ये आंसर। तो बड़े ध्यान से समझना आप शेयर्स वाले पॉइंट को, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स है शेयर्स वाले, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से समझना, और फिर कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछ ले। थैंक यू।